हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल प्लस पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अंकित विश्वकर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है और पावर फैक्टर लैगिंग होना चाहिए, लीडिंग होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। पावर फैक्टर के कम होने पर क्या इफेक्ट होते हैं, पावर फैक्टर को हम बढ़ने पर उसके एडवांटेज क्या है, ट्रांसमिशन लाइन में एडवांटेज क्या है, इक्विपमेंट में एडवांटेज क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं पावर फैक्टर की। पावर फैक्टर जो है, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले पावर फैक्टर बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। पावर पावर जो होती है हमारी, वो होती है एस इज इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। जो जे, इसमें जो पावर की बात करें तो तीन प्रकार की पावर हमारे पास अवेलेबल है, तीन प्रकार की पावर होती है। पहली अगर हम पावर बोलें, जिसको हम बोलते हैं अपेरेंट पावर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम अपेरेंट पावर। दूसरी पावर होती है हमारी एक्टिव पावर, ठीक, दूसरी पावर होती है एक्टिव पावर। और ये जो लास्ट वाली जे क्यू वाली, ये होती है रिएक्टिव पावर, ठीक। तीन पावर मैंने बताया कि अपेरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, तीन प्रकार की पावर हमारे पास है, तीन प्रकार की पावर होती है। तो हम अगर बात करें जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर की हम डेफिनेशन की अगर बात करें, तो पावर फैक्टर जो होता है एसी सर्किट में, जो पावर फैक्टर होता है वो होता है एक्टिव पावर। एक्टिव पावर जो पी होता है हमारे पास, एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। कौन सी पावर? अपेरेंट पावर। एक्टिव पावर और अपेरेंट पावर का जो रेशो होता है या जो अनुपात होता है, उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। अगर हम बात करें यहाँ पे पावर फैक्टर में, तो इसमें हमको पता है कि जो एस है ये हमारी अपेरेंट पावर, जिसका अब तीनों पावर की हमको यूनिट पता है। जैसे कि हम अपेरेंट पावर की बात करें तो अपेरेंट पावर की यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, और जो एक्टिव पावर होती है उसकी होती है वो वी आई कॉस फाई, जो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, और इसकी यूनिट बोलेंगे तो वाट होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो जे क्यू है हमारे पास, ये जो हमारे पास रिएक्टिव पावर है, इसकी होती है वी आई आर, ठीक, ये होती है हमारी इसकी यूनिट, और ये इसका होता है फॉर्मूला, ये भी इसका फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक्टिव पावर, तो पावर फैक्टर हम निकाल सकते हैं यहाँ पर। एक्टिव पावर हमारे पास क्या हो गई? वी आई कॉस फाई, ठीक, कॉस फाई है, कॉस थीटा, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो वी आई कॉस थीटा ही फाई ले लिए, ठीक है, वी आई कॉस फाई, ये हमारे पास एक्टिव पावर थी। अगर हम रिएक्टिव अपेरेंट पावर की बात करें तो ये हो गया वी आई, तो ये वी आई से वी आई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास पावर फैक्टर निकल के आया कॉस फाई। अगर हम इसको दूसरी डेफिनेशन में, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में अगर हम बात करें या दूसरे प्रकार से इसका अगर डेफिनेशन करें, तो ये होता है एसी सर्किट में जो वोल्टेज है, वोल्टेज और करंट, ठीक, वोल्टेज और करंट के बीच बने एंगल। मान लीजिए कि ये एक वोल्टेज है यहाँ पे 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री एंगल पर एक वोल्टेज है, और मान लीजिए कि यहाँ पे करंट है। एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर भी ले सकता हूँ मैं, किसी भी एंगल पे ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करंट लिया, तो ये जो इसके बीच का जो एंगल है, इस एंगल के कोसाइन, इस एंगल का जो कोसाइन है, इसी को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ये जो निकल के आया हमारा कॉस फाई, कॉस थीटा, ये जो फाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू बोलो, यही जो एंगल होता है, यही होता है एंगल। तो हमने क्या बोला कि जो वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल है, उसका जो कोसाइन होता है, कोसाइन मतलब जो होता है कॉस, कॉस का जो मतलब ये होता है इसका पावर फैक्टर, इसको ही हम बोलते हैं पावर फैक्टर। करंट और वोल्ट, करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है, उसके कोसाइन को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। इसमें एक डेफिनेशन और बनती है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे जिसकी, पावर फैक्टर बराबर हो गया हमारा कॉस फाई, तो ये कॉस फाई बराबर आर वाई जेड, जो रेजिस्टेंस है एसी सर्किट में, रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस, आर हमारा रेजिस्टेंस हो गया, और ये जेड हो गया हमारा इम्पीडेंस। तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रेशो को भी हम पावर फैक्टर के रूप में जानते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला निकल के आया पावर फैक्टर के, क्या क्या आ गए थे, पहले अगर हम बोले पावर फैक्टर इज इक्वल टू एक्टिव पावर ऑन जो अपेरेंट पावर, ठीक, और दूसरा फॉर्मूला क्या आया था, पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाई, और इसी को हम बोल सकते आर वाई जेड, ये हमारे पास पावर फैक्टर निकालने के फॉर्मूले आ गए। पावर फैक्टर इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू जो होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। अगर पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, लोड, लोड किस टाइप का है हमारा, जो लोड है वो किस किस प्रकार का लोड है उस पे डिपेंड करता है हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर जैसे हम बात करें रजिस्टिव लोड है, रजिस्टिव लोड पर पावर फैक्टर अलग होगा। ठीक है, कैपेसिटिव लोड पर पावर फैक्टर अलग होगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड, इंडक्टिव लोड पर पावर फैक्टर अलग होगा। तीनों कंडीशन में हमारे पास तीन प्रकार के लोड है, तो तीनों कंडीशन में पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग आएगी। पावर फैक्टर कैसे बल देखिए, जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले हम रजिस्टिव लोड की बात करें, तो रजिस्टिव लोड में मैं आपको बता दूँ, रजिस्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है यूनिटी, मतलब कि जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी, मतलब कहने का वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। कितने डिग्री होता है, ये करंट हो गया, ये वोल्टेज हो गया, दोनों एक ही साथ चल रहा है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आप भी जानते हैं कॉस 0 का मान होता है 1। ठीक है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर हम कॉस दोनों के बीच का एंगल 0 है, हम कॉस फाई लेते हैं ना, कॉस फाई, तो फाई का मान कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब थीटा का मान कितना, मतलब फाई का मान 0 हो गया, तो यहाँ पर कॉस फाई का मतलब कॉस थीटा का कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो मतलब रजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर यूनिटी होता है, वो किस प्रकार से होता है इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ओनली पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं, कैसे निकलता है वो हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर हम इंडक्टिव लोड की अगर हम बात करें, इंडक्टिव लोड में जो पावर फैक्टर होता है वो होता है लैगिंग। लैगिंग और लीडिंग क्या होती है आप लोग को पता होगा, लैगिंग मतलब अगर वोल्टेज करंट जो एंगल चलता है, तो अगर हम बोले इंडक्टिव लोड में क्या होता है, हमेशा देखिए इंडक्टिव लोड में जो वोल्टेज है हमारा, ये हमारा वोल्टेज 0 डिग्री पर हो गया, करंट हो गया हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हमारा करंट क्या हो गया, पीछे हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रही है, लैग कर रही है किसके, वाई वोल्टेज, वोल्टेज से करंट क्या हो रही है, लैगिंग है, लैग कर रही है। तो यहाँ पर जो पावर फैक्टर निकल कर आता है वो आता है कॉस 90 डिग्री निकलेगा, बीच में जो पावर फैक्टर निकलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। पावर फैक्टर के यहाँ पे हो गया करंट, इंडक्टिव लोड में आप लोग जानते हो, आपने पढ़ा होगा प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रजिस्टिव लोड, तो उन पर अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से बनता है। लेकिन ये 0 डिग्री, 0 आ गया, कॉस 90 का मान 0, लेकिन ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। प्योर हम ये जो एंगल दिया 90 डिग्री, ये होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट, जो प्योर इंडक्टिव सर्किट एक्चुअल में होता नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ हर इंडक्टिव सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं होता। इसलिए 90 डिग्री एंगल से कुछ कम ही होगा, 90 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही क्या करेगी, करंट लैग करेगी। तीसरा होता है कैपेसिटिव सर्किट, कैपेसिटिव लोड है तो वहाँ पे करंट क्या करती है, लीड करती है, मतलब लीडर, लीडर जो होता है आगे चलता है, तो लीड करती करंट क्या करेगी, यहाँ पे लीड करेगी। तो ये हमारा वोल्टेज हो गया 0 डिग्री पर और ये करंट होगी हमारी 90 डिग्री, लीड कर रही है। तो यहाँ जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग होता है, लीडिंग नेचर का पावर फैक्टर यहाँ पे हमको मिलता है। अगर हम बात करें जो, ठीक है, ये होता है हमारा पावर फैक्टर। इस प्रकार से हम पावर फैक्टर की बात कर रहे थे कि हमने पहले देखा कि पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है किस प्रकार से निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है।